सेहतमंद बकरे हैं इनके पास, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, मुझे मारने लगा था बकरा, तो इसका जो है ना हो सकता है रेट भी ज़्यादा होगा। ये देखें पला हुआ है काफ़ी। सुन लें जी इनकी बात भी, 50-60 हज़ार वाले भी है, 30 हज़ार से लेकर 60-70 हज़ार तक है, मतलब बड़े बकरे भी हैं। इसके अलावा भी आपके पास बकरे हैं? इसके अलावा भी 3-4 हज़ार और वो अंदर है, बड़े हैं वो, बड़े हैं वो। ठीक है माई, ठीक है जी। ये देखें मुनासिब कीमतों वाले, मुनासिब दाम वाले और अच्छे खूबसूरत पले हुए बकरे अनवर खान लाए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग तआवुन करें इसके साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करने के बिल्कुल सारे खैर वफियत नाल होसो ते अल्लाह ताला नी हिफ्ज़ो अमान च होसो। मैं तुसर मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान, तुसर तकने पे अपना फैमिली यूट्यूब चैनल हाफिज़ रमज़ान ऑफिशियल, नाल नाल फेसबुक पेज हाफिज़ रमज़ान ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा फजल ते करम, मौसम अच्छा हो गया, कल बारिश हुई जड़ी, उस तो बाद मौसम काफ़ी बेहतर ते खूबसूरत हो गया। एक बार फिर आ जाना एक नवी वीडियो में। उम्मीद करने की तुम्हें वीडियो बहुत पसंद आ सी। जो चैनल से तुम नवे हो तो चैनल की जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो की लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके दसें तुम्हें वीडियो कह जी। ठीक है जी, आज नहीं जी व्लॉग या अस जी वीडियो बनाने पे अपने भैन भरावान यार दोस्तों शेयर करने वास्ते वो है। अस अज अपने महल जी मोड़ा मुल्क मौजूद हाँ, तो इतने साढ़े नाल भाई अनवर साहब रहने, खादमाबाद बाजार इन्होंने दुकान भी है, सुपर बाजोड़ सब्जी फ्रूट शॉप। तो इन्ना आते वे कुरबानी वास्ते बकरे माशाल्लाह, इधरों पिशावर वाले पासों आते वे। तो उम्मीद करने कि अल्लाह ताला नी जात ने बड़ा फजल कर सी, तो इन्होंने जेडे बकरे खैर वफियत नाल बिकी जा सन। तो मजीद तुसा की भी तकासा, अगर किसी यार दोस्त की बकरे पसंद छिड़न तो वो इन्होंने राबता करी सकन। ठीक है जी, तो जरूर असं अपील भी करने, दरखास्त करने कि कारोबार वास्ते चीज़ आने तो इन्होंने तआवुन करो ताकि इन्ना की इन्ना बकरे जड़े आंदे वे इन्ना की फायदा हो, इन्ना की नुकसान ना हो। तुसा तआवुन कर सो, तुसा ने तआवुन बहुत ज़्यादा दरकार है। तो हुण तुसा की मिला सा उन्होंने, इंशाल्लाह उन्होंने कल पुछसा कि कितने बकरे आंदे वे ने, ते उन्होंने कुछ रेट भी तुसा की थोड़ा बहुत दसा। तो हुण मिलने अनवर भाई नाल इंशाल्लाह ताला। जी नाज़रीन, अनवर भाई साढ़े नाल मौजूद हैं। असं सब तो पहले इन्हें कर सा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनवर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, माशाल्लाह पिछले साल की तरह इस दफ़ा भी आप बहुत प्यारे और अच्छे और मुनासिब कीमतों वाले बकरे लेके आए हैं। तो हम सब दुआ भी करते हैं, और मैं अपनी वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ कि जितने भी मेरी वीडियो देखने वाले हजरात हैं वो इनके साथ भरपूर तआवुन करें। तो आप माशाल्लाह इस दफ़ा कितने बकरे लेके आए हैं? 25 बकरे लेके आए हैं जी, और मतलब है कि इसमें आप 25 हज़ार से ऊपर ऊपर भी मुनासिब, मतलब है कि मुनासिब 25 हज़ार से ऊपर ऊपर, हाँ मतलब सबसे पहले नाजरीन आप देख भी सकते हैं सुन भी कि आप आएँ इनके पास बकरे चेक करें, फिर कीमत उसमें तय हो जाती है। ठीक है जी, अभी आप को हम क्या बताएं कि इनके क्या रेट है। जब आप इधर आएंगे अपने हिसाब से अपनी पसंद का जो भी बकरा देखेंगे फिर उसके हिसाब से उसका रेट हो जाएगा। इस तरह ही है अनवर भाई, हाँ बिल्कुल, मतलब है अब ये एक चीज़ वहाँ से लाते हैं तो लाजमी बात है ये इसलिए नहीं लाते कि इनको नुकसान हो, और आप भी जो कुर्बानी देते हैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए वो भी नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। आप आएँ, ये माशाल्लाह देख सकते हैं आप इनके पास ये आप 4-5 बकरे हैं, ये देखें ये मुनासिब रेट वाले बकरे भी हैं। ठीक है जी, ठीक है, 30-35 हज़ार रुपये वाले जो है ना ये बकरे हैं मुनासिब रेट पे। अब फिर जैसे जैसे खूबसूरत या थोड़ा बकरा जो बड़ा अगर आप पसंद करेंगे या आप कहते हैं कि मैं ये बकरा लेना चाहिए तो उस हिसाब से उसका रेट भी होगा। ठीक है जी, माशाल्लाह बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत और सेहतमंद बकरे हैं इनके पास, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, मुझे मारने लगा था बकरा, तो इसका जो है ना हो सकता है रेट भी ज़्यादा होगा। ये देखें पला हुआ है काफ़ी, तो ये बकरा भी देखो, उठ भाई खड़ा हो, खड़ा हो, शाबाश। ये देखें बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत बकरे हैं, तो आप आएँ इनके पास। ये ख़ास हमारा जो मलक का मोड़ा है, ये मलिक तारिक साहब की कोठी है, मलिक तारिक साहब की कोठी के साथ ये अनवर भाई का घर है। ये सामने जिधर बकरे खड़े हुए हैं, अनवर भाई खुद खड़े हुए हैं, तो इधर आएँ। ये बकरे बाज़ार भी लेके जाते रहते हैं, मतलब है कि हमारे महल में अगर ना भी मिले बाज़ार में ये ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये जो बकरे आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा कीमतों वाले भी हैं। ठीक है जी,
ये देखें माशाल्लाह, क्योंकि ये दोंदे बकरे होते हैं कुर्बानी के लिए, ये शर्त है। ये इधर है गेट के साथ, बस मैं आया। ठीक है जी नाज़रीन, ये बकरे हम आज अनवर भाई के जो बकरे लाए थे ये हमें हमने आपको दिखाए हैं, तो हम भरपूर आपसे अपील करते हैं। हाँ जी, मुनासिब सुन लें जी इनकी बात भी, 50-60 हज़ार वाले भी है, 30 हज़ार से लेकर 60-70 हज़ार तक है, मतलब बड़े बकरे भी हैं। इसके अलावा भी आपके पास बकरे हैं? इसके अलावा भी 3-4 हज़ार और वो अंदर है, बड़े हैं वो, बड़े हैं वो। ठीक है माशाल्लाह, मतलब ये नाज़रीन आप सुन रहे हैं कि 30 हज़ार से लेकर 60-70 हज़ार तक की रेंज में बकरे इनके पास मौजूद हैं, तो हम भरपूर तरीके से अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग इनके साथ तआवुन करें। गेंदा कुर्बानी वाले बकरे हैं सब, इसी तरह बकरे हम अतल साहब साल में 10-15 दिन सौदागरी करना है, ज़्यादा नहीं करना। बिल्कुल यही बात, चीज़ लाता है जरा खूबसूरत होता है, सही हर मकदार में पूरा होता है, तो वो लेना है, वैसा गंद कचरे नहीं लेना। ठीक है, मुनासिब रेट पर वापस इधर बेचना है, 3-4 हज़ार 5 हज़ार हमको बची जाना है, बस करें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाजमी बात है जी, आप कारोबार करते हैं तो अगर बचत ना हो तो फिर कारोबार का फ़ायदा नहीं है। ठीक है नाज़रीन, ये आज आपने देखे हैं अनवर भाई के जो बकरे लाए हुए थे इन्होंने कुर्बानी के लिए, ये देखें आप माशाल्लाह, उधर आके भी 4-5 बकरे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये नाज़रीन देखें, बहुत खूबसूरत प्यारे बकरे हैं, और ये जो बकरा सामने आप देख रहे हैं ये मुझको मारने पे तुला हुआ है, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरे हैं। चलो भाई सीधा हो, हाँ इस तरह, ये एक बकरा वो खड़ा सफ़ेद, अल्लाह ताला साहब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, तो क्योंकि ये खालिस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए होती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुबारक सुन्नत भी है, और अल्लाह की रज़ा के लिए जो कुर्बानी दी जाती है अल्लाह ताला की ज़ात उसको कबूल फरमाती है, बेशक वो दिलों के हाल जानने वाला है। अल्लाह ताला तमाम जितने भी हजरात हैं कुर्बानियाँ करने वाले हैं, अल्लाह ताला तमाम की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, अल्लाह ताला की ज़ात जो बंदे माल लाए हैं कुर्बानी के लिए, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ अता फरमाए, अल्लाह ताला उनका माल भी खैर वफ़ियत के साथ जो है ना बिकवाए, अच्छे अच्छे गाहक लगाए उनको, अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले को भी नफ़ा अता फरमाए जो कारोबार कर रहे हैं माल बकरे वगैरह बैल वगैरह, अल्लाह ताला उनको भी बरकत अता फरमाए। अनवर ख़ान के बेटे तो ये अभी इनको जमा कर रहे हैं साए पे। ठीक है जी, ये देखें मुनासिब कीमतों वाले, मुनासिब दाम वाले और अच्छे खूबसूरत पले हुए बकरे अनवर ख़ान लाए हैं आप लोगों के लिए, आप लोग तआवुन करें इसके साथ, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने हवाले। ये देखें आप हमारा मोड़ा मलका का मेन रोड जो है ना, ये देखें आप, तो ये अनवर भाई का घर है, ये सामने जो जिधर आप बच्चे देख रहे हैं ये सारा अनवर भाई का, इधर रहाइश पजीर है। ठीक है, ये मलिक तारिक साहब की कोठी निशानी है, ये खजूर का दरख्त। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, कल भी दिखाया था आपको कि रेत का काम जा रहा, मट्टी लोडिंग जारी है, आज ट्रैक्टरों पर ट्रालियों पर मट्टी लोड घर के लिए जा रही है। ये खादमाबाद की साइड से अगर आएँ तो ये मेन रोड है, मेन खादमाबाद रोड हमारा मोड़ा मलका में आता है, और ये अनवर भाई का घर है, यहाँ से आप इनके साथ रब्ता कर सकते हैं और अपनी पसंद का जो है ना बकरा पसंद कर सकते हैं।